दोस्तों मेरा नाम अभिषेक है। आज मैं बात करने वाला हूँ लिपिक वेतन संघ के बारे में। देखिएगा दोस्तों, जो अभी एक हफ्ते पहले मीटिंग हुई थी लिपिक कैडर की अलग से, तो उसका परिणाम मुझे कुछ समझ नहीं आया। 28 तारीख को ये जो पहले से निर्धारित था कि सभी उस दिन एक हड़ताल करेंगे छोटा सा एक दिन का, और उसी में लिपिक कैडर भी शामिल हो गया। आप बताइए कि क्लेरिकल कैडर ऐसा एक संवर्ग रहा है जिसने आज तक माने सीएम जी से मुलाकात तक नहीं की है। 2 महीने मैक्सिमम अब टाइम है, उसके बाद कोई टाइम नहीं है। तो इवन देखिए कि जो सबसे पुरानी मांग है, सबसे बड़ा कैडर है, सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, और आज वो आर्थिक मानसिक सामाजिक हर प्रकार का दंश शोषण झेल रहा है। इसीलिए मेरी गुजारिश है, देखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप यही माने कि सब लोग पहले भोपाल आओ तभी माना जाएगा कि क्लेरिकल कैडर में ये आक्रोश है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा ज़िला है और दूर दूर तक ऐसे भी स्थान हैं जहाँ से आने जाने की सुविधा रेयरली है, बहुत कम है। और जो लिपिक कैडर है, क्लेरिकल कैडर है, ऑलरेडी इतना टूट चुका है, बहुत ज़्यादा टूट चुका है। इसीलिए एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है लिपिक कैडर की तरफ से, जो एक आम लिपिक सोचता है, एक आम क्लेरिकल कैडर स्टाफ सोचता है, कि देखिएगा जो वेतन विसंगति क्लेरिकल स्टाफ्स की, वो दूर होनी चाहिए। 2400 तो 2006 में दूर होनी चाहिए थी, और जैसे आप देखे होंगे कि कितने सारे संवर्ग हैं जिनका बार बार रिवाइज किया गया है पे, तो आज 2800-3200 क्लेरिकल का ग्रेड पे होना चाहिए। लेकिन आज जो क्लेरिकल कैडर है वो इक्विवेलेंट टू ए प्यून कंसिडर किया जा रहा है, ऐसा उसको शो किया जा रहा है। यही गुजारिश है, यही दंश है, और इसी वजह से जो क्लेरिकल कैडर है लिपिक संवर्ग को डिप्रेस्ड हो रहा है। तो हमारे जो लिपिक पदाधिकारी हैं उनको कम से कम एक बार पुरजोर तरीके से अपनी आवाज़, अपनी बात रखनी चाहिए मध्य प्रदेश अथॉरिटीज़ के पास, माननीय सीएम जी के पास। दोस्तों जो भी अपडेट होगा मैं लगा रहूँगा। बाद भी 28 जो तारीख है उसमें एक और संघ जुड़ा है, मतलब टोटल 6 संघ हो गए हैं, वही बड़े संघ जो अप्रैल से एक साथ एकजुट होकर आए थे। और यही है, जो होगा दोस्तों मैं अपडेट लाता रहूँगा। आपसे मिलने का धन्यवाद।